सोचती हूँ अगर सारा उस घर में नहीं होती तो वो घर मेरे लिए जन्नत होता अम्मा। ना ही तो तुम्हारी औकात है और ना ही हैसियत है तुम्हारी, समझी? तो ये मेरा और सारा का घर है, आप इस घर में मेहमान हैं। किसी को भी माहिरा के इंसल्ट करने का कोई राइट नहीं है, ये इस घर की बेटी है। इसके दिल में कोई मोहब्बत नहीं है मेरे लिए, इसके दिल में सिर्फ तुम हो, ये तुमसे मोहब्बत करता है। अगर प्लीज तुम घर छोड़कर नहीं जा सकती। अगर तुम जाना चाहती हो ना जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। ये वाला सेट दिखाइएगा। फवाद कैसा लग रहा है? ठीक है, अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो। नहीं रहने दे, फिर सही। अरे नहीं, कम से कम एक सेट तो ले लो। क्यों? सारा ने भी सेट दिलवाने का कहा। हो यानी सारा के कहने पे आप मुझे सेट दिलवाएंगे? वैसे नहीं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे आपकी खुशी से कुछ चाहिए। सारा के हुक्म से दिलवाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। सॉरी, मुझे ये सब बातें समझ नहीं आती। अब प्लीज ये पैक कर दे। नहीं, रहने दीजिए। क्यों? कि मुझे आपकी चॉइस का सच चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप सारा के लिए लेकर आते। ठीक है। नहीं, एक मिनट, मुझे ये वाला पसंद है। मुझे भी यही वाला पसंद है, बात करते। बेटा, मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुमने खाना नहीं खाया। भूख नहीं है अम्मा जान, मुझे टेंशन मत लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सरप्राइज। किस चीज का भाई? मैंने आप लोगों के लिए शॉपिंग की है अम्मा जान, ये आपके लिए। थैंक यू सो मच, तो बहुत खूबसूरत रंग है। यू वेलकम। और सारा, ये तुम्हारे लिए। और ये लिया है मैंने अपने लिए। थैंक यू। फरबा, सारा इतने डल कलर्स नहीं पहनती। नहीं, ओ आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। फवाद ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं, मुझे तो नहीं बताया। अमरान, अच्छा है ये। कोई बात नहीं, तुम ये सूट रख लो, मुझे वापस कर दो वो। कभी मेरी चॉइस का सूट भी पहन लिया करो। नहीं फरवा, ये बहुत अच्छा है। लाओ ना, ये रख। थैंक यू, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। अच्छे कलर है, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। को अंदाजा भी नहीं मैं किस कर्ब से गुजर रहा हूँ। आप सिर्फ औरत की बात करती हैं, मर्द जब दो कश्तियों में सवार होता है उस पर क्या गुजरती है आप सोच भी नहीं सकती। जानती हूँ, मैं जानती हूँ किस कर्ब से तुम गुजर रहे हो। मैं सारा की अजियत को महसूस करती हूँ, फरवा की बेचैनी को महसूस कर रही हूँ। और क्या आपको ये भी एहसास है कि सबकी जिम्मेदार आप हैं? तुम मेरी नियत पे शक कर रहे हो? नहीं, आपके फैसले पर। औलाद के बगैर भी इंसान जिंदगी गुजार सकता है। सबसे ज्यादा अहम सुकून होता है औलाद, नहीं। बेटा, हर इंसान अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करता है। मेरा मुस्तकबिल तुम हो, मगर जब भी मैं तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में सोचती हूँ तो तारीकी के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहुत अपसेट हूं अम्मा जान। देखो, फरवा को बोझ या जिम्मेदारी मत समझो, बीवी समझो।
जिस तरह तुम सारा से मोहब्बत करते हो, फरवा को भी अपने दिल में जगह दो। ये बहुत मुश्किल है, वो सारा की जगह कभी नहीं ले सकते। मैं सारा की जगह देने को बिल्कुल नहीं कह रही, बस अपने दिल में उसको थोड़ी सी जगह दे दो। चाय फवाद। थैंक यू सर, बाकी चाय बहुत अलग होती है। तुम भी पियोगी ना लो? हाँ। ये फवाद तुम्हारी रिंग है ना? जी, ये मुझे लूज थी तो सारा को दिखाने के लिए लाई थी, शायद यहीं पर रह गई। क्या तुम इसे चेंज करवाना चाहती हो? नहीं नहीं, मैं तो बल्कि सोच रही थी कि सारा ही रख ले ये रिंग, इसको इतनी फिट आ रही है और अपनी पसंद से ली है इसने, आप मुझे कुछ और दिला दीजिएगा। हाँ ठीक है सारा, तुम रख लो। हाँ ठीक है सारा, पहन लो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं क्या हो रहा है? क्या सुनाऊं, बिलों ने और घर के अखराजात ने तो मेरी मत ही मार रखी है। फरवा, अब तू इस सलमान की नौकरी का कुछ करना। फवाद से कब बात करेगी? हाँ हाँ अम्मा, मैं जानती हूँ परेशानी तो बहुत हो गई है। मुझे भी क्या पता था कि इस तरह इतनी जल्दी शादी हो जाएगी, और ऐसे तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। अच्छा आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं कुछ सोचती हूँ ना, बल्कि काम करती हूँ कि बॉस के पास जाती हूँ, उनसे कहती हूँ कि ऑफिस के फंड से कुछ पैसे दे दे मुझे। क्या उलफुल बक रही है? मैं तुझे अपने अखराजात और बिलों की बात कर रही हूँ, तू अपने बॉस के किस्से सुना रही है। अम्मा क्या हो गया है? मैं कह रही हूँ ना आप परेशान नहीं हो, कमेटी मैंने डाली थी ना, उसको पूरा भी मैं ही करूंगी। कौन सी कमेटी? अच्छा अच्छा आप परेशान नहीं हो, मैं कह रही हूँ टेंशन मत लें, मैं इंतजाम करके आपको बताती हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़। कोई प्रॉब्लम है? जी हाँ, वो एक्चुअली शादी से पहले 20,000 से कमेटी डाली थी मैंने, पता ही नहीं था कि शादी इतनी जल्दी हो जाएगी, और इस तरह अब अम्मी कमेटी के लिए बहुत परेशान हो रही हैं। समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं, तो अम्मी से यही कहा है कि बॉस के पास जाकर ऑफिस के फंड से पैसे निकलवाती हूँ। इसकी टेंशन मत लो। तो फिर कमेटी के पैसे हर महीने? हर महीने मुझसे 20,000 ले लेना। थैंक यू सो मच फवाद, आपने मेरी टेंशन एक मिनट में सॉल्व कर दी। टेंशन मत लो, मुझे ऑफिस भी जाना है, अम्मा जान नाश्ते का इंतजार करेंगे। चलो। नहीं, वो नाश्ता मैंने ऊपर ही मंगवाया है। अम्मा जान को ये सब पसंद नहीं है, नीचे चल के सबके साथ नाश्ता करते हैं। चलो। अच्छा सुने, वो
कमेटी वाली बात के बारे में किसी को पता नहीं चले, सारा को भी नहीं। मैं इतनी मामूली बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देता। सामने को मुझे कहते हैं जी हीरा मानी, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।